हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 12 इंटरमीडिएट एक्सीलेंट बुक से 2015 में जितने भी डायरेक्ट स्पीच आए हैं उसका इनडायरेक्ट देखते हैं सभी सेटों का। इसके पहले 14 तक बना दिए, अगर आप नहीं देखे उसको भी देख लीजिए और रूल सहित इसके एक्सरसाइज सहित पूरा एक्सप्लेन भी किए उसको भी देख सकते हैं वीडियो। चलिए देखते हैं। माई फादर सेड टू मी, पहला है माई फादर सेड टू मी, तो आज किमी हो जाएगा। मैं फटाफट आंसर बता दे रहा हूँ, जो कठिन रहेगा एक्सप्लेन कर दूँगा। आज मी, उसके बाद है यू, ठीक है, कंजक्शन लगाएंगे। मी के बाद जो है वाई से ही आप कंजक्शन लगा दीजिए, वाई वाई के बाद यू को आप आई कर दीजिए, मी के अनुसार बदल दीजिए। फिर आर का बाद जाएगा उसके साथ आई के बाद। सो एवर ईगर टू गो टू द पिक्चर टू डे का दैट डे हो जाएगा। इस तरह से पहला हो गया। दूसरा है ही सेड व्हाट इज चांस, उसने कहा क्या चांस था, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो अब देखिए इसमें ही सेड का एक्सक्लेम ने बदल दिया था। अब देखिए होता क्या है कि इसमें एक रूल है कि व्हाट इज चांस है, इसमें सब्जेक्ट ऑफ वर्ब नहीं दिया गया है। तो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब नहीं दिया रहा था तो हम डायरेक्ट में व्हाट इज चांस, इट सब्जेक्ट और इज वर्ब मान लेते हैं। अब यहाँ ओ से क्या आशय प्रकट हो रहा है, तो इसलिए हम ओ को हटाने के लिए एक्सक्लेम विद चाहे वंडर कह दीजिए चाहे सरप्राइज कह दीजिए, दोनों सही है। एक्सक्लेम विद सरप्राइज या वंडर भी आप कर सकते हैं, कुछ भी कह दीजिए। दैट लगा देंगे उसके बाद। फिर यहाँ देखिए हम व्हाट ए चांस इट इज माने हैं, तो दैट के बाद जो है इट इज का वाज हो जाएगा इनडायरेक्ट में, ए हो जाएगा। व्हाट को वेरी ग्रेट में बदला जाता है, तो व्हाट ए के बाद तुरंत नाउन आया है, ठीक है, तो नाउन आया तो इसलिए ग्रेट में हो जाएगा। व्हाट ए, इट वाज ए ग्रेट चांस, व्हाट को ग्रेट में बदल देंगे चांस हो जाएगा। आगे देखते हैं। आई ऑफन से टू माय फ्रेंड्स, तो से टू को हम टेल कर देंगे, टेल माय फ्रेंड्स, उसके बाद काम नोट का हटा के दैट लगा देंगे। यू को फ्रेंड्स के अनुसार कई फ्रेंड है इसलिए देर कर देंगे। आर का वर हो जाएगा देवर ऑल वेरी डियर टू मी का आई के अनुसार, मी का मी ही रहेगा, घूमकर मी ही आएगा, बदलोगे फर्स्ट सब्जेक्ट आंसर बदल जाता है, मी ही रहेगा, देवर ऑल वेरी डियर टू। चौथा हो गया आई सेड टू मी टू हिम, मैंने उनसे कहा, तो सेड टू का यहाँ आस्ट कर देंगे क्योंकि वाक्य इंटरोगेटिव है। आस्ट हिम, हिम के बाद जो है इफ लगा देंगे, इफ यू का हिम के अनुसार ही हो जाएगा, डिड का हैड हो जाएगा, इफ ही हैड। नाट हो जाएगा, नाट का नाट ही रहेगा, प्रॉमिस में प्रॉमिस्ड हो जाएगा टू, ठीक है। कम का जो है आप जो है कम ही रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमेशा गो में नहीं बदला जाता, जब आवाजाही बताना होता तभी बदला जाता। तो हम ये कहेंगे आई आस्क हिम इफ ही हैड नॉट प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस में डी जोड़े प्रॉमिस्ड टू कम, कि मैंने उससे पूछा कि क्या वे, क्या वह जो है आने का वादा नहीं किया था, ऐसे ही पूछेंगे जैसे पूछेंगे उससे वही आपको जाने का वादा नहीं कहेंगे कि कम को गो में बदल जाता, कम को गो में हमेशा नहीं बदल जाता, दे दिया है किताब में बदल देते हो तुम्हें, लेकिन तभी बदलना चाहिए जब उसमें सामान्य आवाजा है की बात की जा रहा है, इनडायरेक्ट में भी कहने पर जाना आ रहा हो, ठीक। आगे आई सेड टू हिम, आई मैंने उससे कहा, डी तो क्या, माई फादर सेड टू माई फ्रेंड, तो सेड टू का आस्ट हो जाए क्योंकि वाक्य अगला हिंदा इंटरोगेटिव है। आस्ट माई फ्रेंड, वाई का वाई रहेगा, वाई डज ही, तो वाई के बाद ही लगेगा, डज का डिड हो जाएगा, वाई ही डिड नॉट ब्रिंग हिज फादर टू देम टू डे का दैट डे हो जाएगा। अगला है आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस गो ऑन ए ट्रिप टू द पंजाब, तो आई प्रपोज्ड कर देंगे, सेड टू का क्या हो जाएगा प्रपोज, आई प्रपोज टू माई फ्रेंड, उसके बाद दैट लगा देंगे। हाँ, अस को फ्रेंड के अनुसार सॉरी आई के अनुसार बदलोगे तो वी हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन सब अरे है ये ना, सब्जेक्ट के अनुसार आई के अनुसार वी हो जाएगा। लेट का शुड हो जाएगा, वी शुड गो ऑन ए ट्रिप टू द पंजाब, सब कुछ वैसा रहेगा। अगला है द टीचर सेड, सेड का आस्क कर दीजिए, पहली बात तो इंटरोगेटिव है, वेयर कंजक्शन लगा दीजिए, आर यू, वेयर के बाद सब्जेक्ट आता तो यू को आप यहाँ तो आस्क के बाद आप मी मान लीजिए या डायरेक्ट भी ले सकते हो, वेयर के बाद मी मानोगे तो आई हो जाएगा, आर का वाज हो जाएगा, या तो हिम भी मान सकते हो तो ही वाज, दोनों सही रहेगा। गोइंग, सॉरी यहाँ आप मी और हिम ना मानिए, तो देखे नहीं पूरा आगे पढ़ने से पता चल जाता, तो इसको हम थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, मी मत मानिए, मी की जगह रमेश मान लीजिए।
द टीचर आस्क्ड रमेश, फिर से बता दे रहे हैं आप करेक्ट करेंगे, द टीचर आस्क्ड रमेश वेयर, अब यू को रमेश के अनुसार, यहाँ रमेश हो जाएगा तो उसके अनुसार बदलोगे तो ही हो जाएगा, वाज गोइंग। देखिए होता क्या है कि यहाँ संबोधन के शब्द आ गए रमेश, अध्यापक रमेश कह के संबोधित कर रहे हैं, तो जब जिससे कह रहे हैं वो दिया रहता है, तो शुरू में दिया रहता तो आप ध्यान आकृष्ट हो जाता, कभी कभी लास्ट में भी इस तरह दे दिया, तो लास्ट में दिया चाहे शुरू में, सुनने वाले रमेश से कहने वाले टीचर, तो जो सुनने वाला हो तो उसी को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, अगर दे दिया जाता तो लास्ट में दिया रहता तो उसके पहले काम हो, शुरू में दिया था तो उसके बाद काम लगा रहता, तो इसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो इसलिए अम्मी या हिम नहीं मानेंगे, तो इनको ही मान लेंगे, मानने का मतलब ऑब्जेक्ट ही बना देंगे, उसके बाद वेयर ही वाज गोइंग हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं आठवां, ही सेड टू हिज फादर, ही सेड टू, सेड टू का रिक्वेस्टेड फादर हो जाएगा, तो प्लीज हटी जाएगा रिक्वेस्टेड, टू लेट मी का ही के अनुसार हिम हो जाएगा, अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ, फिर माई का ही के अनुसार हिम हिज हो जाएगा, हिज फ्रेंड। अगला है राजेश सेड, सेड के बाद दैट लगा दीजिए, आई को राजेश के अनुसार ही, ब्राट के पहले हैड, ही हैड ब्राट एक आर स्टडे का, द प्रीवियस डे, ही सेड टू मी मे यू सक्सीड, तो ही सेड टू मी मे यू सक्सीड, तो उसने मुझसे कहा आप सफल होंगे, विश्ड कर दीजिए, शुभकामना दे रहा है, ही विश्ड मी, मी के बाद दैट लगेगा, यू को मी के अनुसार, आई मे का माइट, आई माइट सक्सीड। अगला है राहुल सेड हुर्रा अशोक हैज फर्स्ट डिवीजन इन द आईएससी, और राहुल सेड का एक्सक्लेम्ड हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, हुर्रा के लिए विथ जॉय लगाएंगे, उसके बाद दैट लगा देंगे हम, दैट कंडीशन दैट लगा देंगे, अशोक हैज का हेड हो जाएगा, आगे सब कुछ वही रहेगा। बरामा सिट डाउन एंड डोंट मूव अंटिल आई ग्रांट परमिशन, सेट द हाईजैकर, तो पहले आप हाईजैक द हाईजैकर कर दीजिए, द हाईजैकर, ठीक है, ऑर्डर कर दीजिए, ऑर्डर टू लगा के जोड़ देंगे, टू सिट डाउन एंड डोंट का हो जाएगा नॉट टू, एंड नॉट टू मूव अंटिल आई का हो जाएगा ही, ग्रांट का ग्रांटेड हो जाएगा, परमिशन अब स्टॉप, ठीक है, सेट दहा जाकर भले बाद में, लेकिन दहा जाकर सेट हम ऐसे कहेंगे, क्योंकि रिपोर्ट जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पहले रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो है पर लिखते हैं तब कंजक्शन आर्टिकल, क्योंकि इसका अर्थ क्या होगा, हाई जाकर मैंने हाई जैक करने वाला, जो ऑफर करने वाला, उसने कहा कि डोंट सिट डाउन, बैठ जाओ, एंड डोंट मूव व्हील नंबर अंटिल आई ग्रांट परमिशन, जब तक कि मैं परमिशन नहीं, दूसरे जगह हाई जाकर ने बैठ जाने का और जब तक वह परमिशन ना दे ना हिलने का आदेश। अगला, माई टीचर सेड टू मी, मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा, क्या कहा, वर्क हार्ड एंड यू विल श्योरली सक्सीड, तो सीधी बात एडवाइस दे रहे हैं, एडवाइस मी कर दीजिए, टू लगा के जोड़ देंगे, टू वर्क हार्ड एंड, ठीक है, आई विल श्योरली सक्सीड, ठीक है, तो मैं निश्चित रूप से क्या हूँ सफल। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सलाह दिया जा रहा है, तो एडवाइस तो आप यहाँ कर दिए, माय टीचर एडवाइस में बिल्कुल सही, टू वर्क हार्ड एंड आई यू का आई, अब देखिए आई के साथ तो वैसे स्टाइल लगता है ना, यू के साथ भी लगा है, इसलिए आप यहाँ शूट कर देंगे, आई शूट श्योरली सक्सीड, और वैसे भी सलाह प्रकट हो रहा है तो इसलिए शूट ही लगाना चाहिए, वैसे तो उनका प्रयोग कॉमन हो गया है आजकल, लेकिन यहाँ शूट ही लगेगा, अगर सलाह का भाव हो तो शूट ही लगेगा, इसलिए आप यहाँ शूट लगा, ग्रामेटिकली शुड सही माना जाएगा, ठीक है। द बेगर सेड टू द पासर बाई, तो यहाँ प्लीज प्लीज शब्द आया तो इसलिए रिक्वेस्टेड कर देंगे, द बेगर रिक्वेस्टेड द पासर बाई, टू लगा देंगे, टू के बाद इधर वाला हम वाक्य जोड़ देंगे, टू गिव मी का बेगर के अनुसार हिम फाइव रुपीज, इस तरह से हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो है अगले वीडियो में आपको अगला सेट हल करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।